नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे हमने कल के दिन में अच्छा खासा वीकनेस देखा, और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जितने भी फेड के मेंबर्स थे उसमें से कम 3-4 लोगों के जो स्टेटमेंट्स आए उनके स्टेटमेंट से जो ओवरऑल व्यू बन के या उभर के आ रहा है वो यही है कि वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट की दरें हैं वो पॉज रहेगी फॉर अ लॉन्गर टाइम। अगर ये पॉज रहने वाली है, अगर ये स्थिर रहने वाली है, तो इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड यील्ड या बॉन्ड मार्केट को सपोर्ट करेगी। कल के दिन में यूएस के बॉन्ड यील्ड 4.32 यानी कि हायर लेवल्स पे गए और इक्विटी मार्केट्स लोअर लेवल्स पे बंद हुए। सिमिलर ट्रेंड एशिया में है और गिफ्ट निफ्टी नियरली 100-150 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि अगर मार्केट में लोअर ओपनिंग होती है तो हमारे मार्केट्स में 22,380 के इम्पॉर्टेंट लेवल्स सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इन लेवल्स के भी नीचे सस्टेन होना सजेस्ट करेगा कि निफ्टी 22,300 से लेकर 250 तक के लेवल्स दिखा सकती है। तो 22,380 के नीचे अपनी पोजीशंस को कम करना काफ़ी ज़रूरी है। अबाव 22,500 हम बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 22,550 के ऊपर मार्केट में रियल स्ट्रेंथ जनरेट होगा। बैंक निफ्टी यहाँ पे भी हमने रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी और आज अगर 47,400 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है, बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, तो फिर हम बैंक निफ्टी को 47,100 से लेकर 47,000 के लेवल्स तक जाते हुए देख सकते हैं। इन शॉर्ट आज हमें लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है और इम्पॉर्टेंट लेवल्स के बेसिस पे हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को डिज़ाइन करना है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।